अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं हूँ आपकी होस्ट लीज़े। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं मॉल ऑफ मुल्तान में। तो यहाँ पे आए हुए लोगों से हम गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे और करेंगे मज़े मज़े के सवालात भी। लेकिन इससे पहले आप सबको देना चाहती हूँ एक मैसेज। इंसान की सोच पर डिपेंड करता है कि उसकी कामयाबी किस तरह होती है और वो नाकाम किस तरह होता है। तो उसके कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि वो एक चीज़ को उसके लिए स्ट्रगल करे, उसके लिए वो पॉजिटिव रहे। लेकिन अगर वो एक चीज़ के लिए ठान लेता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता, तो उसका मतलब है कि वो नाकामी की तरफ उसका पहला स्टेप है। तो बहुत हो गई नसीहतें, बहुत हो गए मैसेजेस, चलते हैं अब प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, यहाँ पर आए हुए हैं बहुत सारे लोग, इनसे हम बातचीत करते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मौजूद हैं दो बच्चे जिनसे हमने करनी है बातचीत, गपशप, उनसे भी मज़े मज़े के सवालात भी करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुफियान। आपका? सुहेब। क्या करते हैं आप? स्कूल में हैं, नाइन्थ क्लास, इसी के साथ पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आप क्लास फेलोज भी हैं। अच्छा, तो आपके पेपर्स हो चुके हैं? अभी न्यू नाइन्थ में, अगले साल, अगले साल होंगे, अभी नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है। तो क्या गोल्स हैं आपके, आप क्या बनना चाहते हैं आगे इन फ्यूचर? कंप्यूटर इंजीनियर। वेरी नाइस, कंप्यूटर इंजीनियर। कब आपके अंदर ये, कब से है ये शौक कि आपने कंप्यूटर इंजीनियर बनना? सेवन्थ क्लास से। और आप? मैं भी सेम, कंप्यूटर इंजीनियर। तो आप दोनों के शौक भी इतने मिलते हैं, क्यों, क्या वजह है इसकी? इससे तो दोस्त बने हैं। अच्छा, दोस्त भी इसी वजह से बने हैं कि गोल्स दोनों के सेम हैं। ठीक है, आप कोई मैसेज देना चाहें जो आपके व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? चलें, कुछ शेयर कर दें, कुछ सुनाना चाहें, कोई आपका शौक हो, शायरी आती हो, कोई भी सॉन्ग, एनीथिंग। अच्छा चलें, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने उसका मुझे जवाब देना है। एक कार में कितने व्हील्स होते हैं? आप बताएं। एक कार में व्हील्स, एक कार में कितने व्हील्स होते हैं? पक्की बात है, सोच लें जी। पक्की बात है, पांच ही व्हील्स होते हैं। एक दफा फिर से सोच लें जी, फाइव ही होते हैं। चलें, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इन्होंने हमसे बात की और इन्होंने सवाल का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दिया। चलते हैं, आइए आगे भी चलते हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हैं। चलिए जी, हमारे साथ यहाँ पे एक और नौजवान भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईद है जी। सैयद अली, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? मैं बेसिकली त्रिगोदा से आया हूँ यहाँ पर। मॉल ऑफ मुल्तान का नाम सुना था मैंने, कहा चले यहाँ ज़रा विजिट हो जाए और थोड़ी शॉपिंग वगैरह हो जाए, तो इसी सिलसिले में अभी तो मैं विजिट कर ही रहा था तो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो आप अकेले आए हैं, आपकी फैमिली? नहीं, फैमिली नहीं, मैं अकेला आया। ठीक है, आप फैमिली के बगैर अकेले आए हैं? एक काम से आया था, मैंने कहा चले ये माल विजिट कर लिया जाए। चले, ठीक है। आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। सॉरी, वकालत करता हूँ। एडवोकेट। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, ठीक है। तो आप क्यों एडवोकेट ही क्यों बने, आप डॉक्टर क्यों नहीं बने, इंजीनियर क्यों नहीं बने? बस इंसान का शौक था, मुझे शौक था, मैं एडवोकेट बन गया। कोई इंस्पिरेशन थी? बस, ओह नो, शौक था मेरा। अच्छा, तो एक शौक भी होता है ना, कि एक बचपन से शौक होता है या आपको किसी को देख कर एक इंस्पिरेशन मिलती है? मेरा अक्सर बिजनेस मैन कम्युनिटी ताल्लुक था और बिजनेस का लिंक जो है कोर्स वगैरह से बनता है, इस वजह से मैं, इसी इंस्पिरेशन की वजह से मैं वकालत की तरफ आ गया। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपने मुझे उसका जवाब देना। एक दीवार है, उस पर छः लोग बैठे हैं, अब वो खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उनमें से पांच लोगों ने इरादा किया है कि वो छलांग लगा देंगे, तो कितने लोग बच गए? दीवार है, सब ने इरादा किया, सभी बच गए, गिरा तो कोई नहीं, इरादा ही किया अभी तक तो। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। एक और सवाल हो जाए आपसे, मुझे लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, हैं ऐसा? लगता तो नहीं। नहीं, आपने जवाब बिल्कुल ठीक दिया है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। चलें, एक और सवाल पूछती हूँ आपसे कि एक कार में कितने व्हील्स होते हैं? एक कार में कितने व्हील्स होते हैं? चार जो होते हैं, रनिंग व्हील होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है।
बिल्कुल, ये मैं मुझे लगता ही नहीं था कि ये इंटेलिजेंट हैं, ये वाकई इंटेलिजेंट हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, और इन्होंने दोनों का बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। जी सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमें बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। जी व्यूवर्स, हमने इनसे बात की और देखा कि आपने ये सरगोधा से यहाँ पे मॉल ऑफ मुल्तान का सुनकर यहाँ पर आए थे और इन्होंने यहाँ पे वो घूम फिर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। तो इसी तरह हम चलते हैं आगे, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। चलिए व्यूवर्स, हमारे साथ एक बहुत छोटी सी क्यूट सी फैमिली मौजूद है, आइए उनसे भी गपशप लगाते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी कॉमन सेंस कैसी है। आइए, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप, क्या नाम है आपका? हाउस वाइफ हूँ, निदा मेरा नाम है। क्या नाम है आपका? हाउस वाइफ है, इसका मतलब है आपको खाने बहुत अच्छे बनाने आते होंगे। इतने अच्छे नहीं आते, बस बना लेती हूँ। बना लेती हैं, लेकिन हाउस वाइफ अगर कहे ना कि मैं खाना बना लेती हूँ, इट मीन्स कि वो बहुत अच्छा खाना बना लेती है। तो इतना अच्छा नहीं बनाती लेकिन बना लेती हूँ। अच्छा, आप सेटिस्फाइड है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, क्या आपको ऐसा कौन सा काम है जो किचन में करना आपको बहुत पसंद है, बड़ा मज़ा आता है? पसंद, क्योंकि गर्मी बहुत होती है इसलिए मैं कुछ भी नहीं बनाना पसंद करती। सर्दियों में कोई ऐसा किचन का काम जो आपको करना बहुत पसंद? और अच्छी बनानी आती है। बिरयानी रेसिपी शेयर करेंगे उसकी व्यूवर्स के साथ? वो लंबी रेसिपी होती है। अच्छा, कोई एक ऐसा उसमें इंग्रेडिएंट हो जो आपको लगता हो जिसकी वजह से बिरयानी बहुत अच्छी बन सकती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ सकता है? वो ना यूजुअली मैं घर के जो हैं वो मसाले यूज़ करती हूँ, बिरयानी मसाला कम यूज़ करती हूँ उसमें, जैसे पुदीना, धनिया, और मतलब बिरयानी मसाला भी डालती हूँ, लेकिन जैसे वो घर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है, उनसे मतलब अच्छी बिरयानी का टेस्ट। तो ये राज है आपकी अच्छी बिरयानी का कि घर के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हैं। ये दोनों आपके बच्चे हैं? जी ये दोनों मेरी बेटियां हैं। अच्छा, ये दोनों आपकी बेटियां हैं, क्या नाम है आपका? अबीरा। और आपका? आयजा। आपका नाम अबीरा है ना, क्या करते हो आप? मैं स्टडी करती हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। सिक्स क्लास में पढ़ते हो, क्या बनना है आगे? अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, पहले मैं चाहती थी मैं आर्टिस्ट बनूँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। अच्छा, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी या है भी? है भी। है भी। अच्छा, आपको क्यों ये शौक है कि आप एक आर्टिस्ट बने? ड्राइंग कहाँ से सीखी है, कहीं से या शुरू से आती थी? शुरू से आती है मुझे, शुरू से आती थी। क्या अब तक की आपने कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, फेवरेट है, और आपने वो बहुत अच्छी बनाई है? ड्राइंग में कुछ भी डॉल ज़्यादा बनाती हूँ, शुरू से डॉल्स या डोरेमोन। अच्छा बनाते हो आप, ठीक है। और कोई आपको कोई पोइम आती हो, कुछ सुनाना चाहते हो आप? अब वो छोटे होते आती थी, अब मुझे नहीं आती थी। अभी भी तो आप छोटू से हो, आती है कोई पोइम? नहीं अभी नहीं आती मुझे। अच्छा, कुछ और आता हो आपको? और अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोई गाना, कोई शेर, कोई मामा के लिए कुछ बोलना चाहो आप? मामा को कुछ नहीं बोलना? क्या बोलूँ मामा का? अच्छा, मामा ज़्यादा अच्छी हैं या बाबा ज़्यादा अच्छे हैं? दोनों। नहीं, किसी एक से ज़्यादा प्यार होता है? मामा। मामा, ठीक है, मामा से ज़्यादा प्यार है, ठीक है। आपका आपका क्या नाम है? आयजा। आयजा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? फोर। फोर क्लास में पढ़ते हो सर, आप छोटू हो, ठीक है। आपका क्या शौक है, क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है आपको, इंजीनियर क्यों नहीं बनना, आर्टिस्ट क्यों नहीं बनना? डॉक्टर बनना है। अच्छे लगते हैं डॉक्टर? क्यों अच्छे लगते हैं, वो तो इंजेक्शन भी लगाते हैं। अच्छा, आपने डॉक्टर बनना है, तो कोई पोइम आती है आपको? पोइम तो आती होगी। याद नहीं आ रही। मैं थोड़ा हिंट दे दूं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये थोड़ी सी भूल। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक डायमंड इन द स्टार। वेरी गुड, अब आपको ये पॉइंट भूलेगी नहीं, है ना? वेरी गुड। चलो जी, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और आपके दोनों बेटियाँ बहुत क्यूट हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत छोटी सी क्यूट सी फैमिली मौजूद थी, उनसे बात करके बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया, अब आप भी बताइएगा आपको कितना मज़ा आया उनसे बातचीत करके। और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी करेंगे बातचीत। आइए,
जी व्यूअर्स, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अभी हम बात करेंगे, एक और बच्चा भी मौजूद है, उससे बात करते हैं कि वो क्या यहाँ पे आकर कैसा फील कर रहा है और वो यहाँ पे क्यों आया है, किसके साथ आया है, जानते हैं अभी, उससे भी बात करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, किसने रखा है आपका ये नाम? दादा अबू ने नाम रखा है। दादा अबू को आप लाडले थे? हाँ जी। क्यों? सबसे बड़ा मैं था। सबसे बड़े हो आप? कितने बहन भाई हो आप? तीन। तीन बहन भाई हो आप? तीनों बहन भाइयों में सबसे बड़े हो? हाँ जी। अच्छा, तो क्या करते हो आप? मैं स्कूल पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? गवर्नमेंट मानो। अच्छा, तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सिक्स क्लास में। क्या शौक है आपको? बड़े होकर इंजीनियर बनने। बड़े होकर इंजीनियर बनना है? तो इंजीनियर आपने क्यों बनना है? अपने फादर के लिए। फादर के लिए बनना है? कोई आप देखते हो आपकी फैमिली में कोई इंजीनियर है, या आप किसी को देखते हो जिससे आपको शौक हुआ कि नहीं मैं भी इंजीनियर बनूंगा? शौक हुआ है। अच्छा जी, अल्लाह करे आपका ये शौक पूरा भी हो। तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है? अपना पढ़ लिख के जब इंजीनियर, पढ़ लिख के इंजीनियर बनना, ये आपको लगता है आप टैलेंट है? यानी आप स्टडी बहुत अच्छी कर लेते हो, इसका मतलब आपकी कॉमन सेंस भी बहुत अच्छी होगी है? हाँ जी। एक सवाल पूछ लूँ आपसे फिर? जवाब देंगे? हाँ जी। चलें ठीक है, बताएं फिर, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है? इमारत का नाम सोचें। मीनार पाकिस्तान। दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की। दुनिया की नहीं पता। एक दफा थोड़ा सा और सोच लो। ओह, मतलब आपको ये सवाल नहीं आया, फिर अब आपसे क्या करवाया जाए? आपको जो लगता है आपका टैलेंट है आप वो बताओ। और गाना आता है कोई? हाँ जी। कौन सा? मेरा दिल ले गई। सुनाएंगे? चलें थोड़ा सा सुना दो। मेरा दिल ले गई वो, दिल ले गई थी अब यही तक आता है। बस यही था? आपको इतना सही गाना आता है? गाने सुनते नहीं हैं आप? क्यों? शौक नहीं है गानों का। अच्छा, फिर आपको क्या करने का शौक है? फिल्में मैंने देख ली। कोई फेवरेट एक्टर? एक्टर शाहरुख खान आपके फेवरेट एक्टर हैं। उनका कोई मोस्ट फेमस डायलॉग जो आपको आता हो, पसंद हो? इधर नहीं आता है। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ पे एक और बच्चा भी मौजूद था जिससे हमने बात की और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया उससे बात करके। अब लेनी है हमें एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे दोबारा यहीं पे, और भी मज़े मज़े के सवाल होंगे और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सुनाना चाहते हो उनको कोई पोएम, कोई गाना, कुछ भी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वेरी गुड। आपकी होस्ट लीजा आपके सामने फिर से हाजिर हो गई है उसी सवालात के साथ, और बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पर, आइए उनसे बात करते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर, किसने रखा है आपका नाम? ये एक चाचू है मेरे, उन्होंने रखा है। ठीक है, तो चाचू ने, आप अपने चाचू से ज़्यादा अटैच हैं? नहीं, वो इस्लामाबाद में रहते हैं तो उधर बहुत कम से कर लगता होता है। अच्छा, तो आप यहीं से, मुल्तान से हैं? नहीं, मैं इधर सनावा से आया हूँ। कहाँ से आए हैं? सनावा सिटी। सनावा सिटी, ये कहाँ पर है? ये इधर ही मुल्तान के करीब ही हो जाता है, यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और यहाँ पे मतलब सब ठीक है और फैमिलीज भी काफ़ी आई हुई हैं। अच्छा, तो आप बाकी, आपने मुल्तान में कहीं और भी गए हैं, कहीं और घूमा फिरा है आपने? जी, पहले इधर अस्करी झील पे भी गए हुए थे, उस साइड से होकर फिर इधर आए हुए हैं। अच्छा, तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया?
फिलहाल तो यहीं पे आ रहा है क्योंकि बाहर थोड़ी गर्मी भी थी, उधर हम थोड़ा जल्दी चले गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे फिलहाल ठीक फील कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल करूँगी, आप मुझे उसका जवाब देना देंगे? जी। ठीक है, सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिखने में तो सब्ज़ है लेकिन उसका असल रंग लाल है? दिखने में सब्ज़ है, असल रंग लाल है। कोई हिंट वगैरह मिल सकता है, या फ्रूट है या इस तरह के? या हिंट इतना दे सकती हूँ कि खाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा, खाने वाली कोई भी चीज़ भी नहीं है, दिखने में सब्ज़ है लेकिन असल रंग उसका लाल है। नहीं आ रहा आपको जवाब। चले आप कुछ सुनाना चाहें, कोई गाना, कोई पोइट्री, कोई टैलेंट हो आपके अंदर, आपको लगे कोई एक्टिंग कर लेते हो आप या कुछ भी? नहीं, एक्टिंग वगैरह तो नहीं है, बाकी इसके अलावा अगर कुछ पूछना। जी जी, आपका जो टैलेंट है, आप में कोई भी टैलेंट है आप वो शेयर कर सकते हैं। टैलेंट तो फिलहाल कुछ नहीं है लेकिन आर्मी ज्वाइन करनी है तो उस वाले से, बाकी वो। अच्छा, ये तो आपका शौक हो गया ना कि आपने एक आर्मी ज्वाइन कर, आपने आर्मी ज्वाइन करनी है, तो आपका आप पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं? आपके पास जब फ्री टाइम होता है तो आप वो कैसे स्पेंड करते हैं? फ्री टाइम में तो बस कभी मोबाइल और फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही होते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची मौजूद है, आइए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ताबीर। ताबीर, इतना प्यारा नाम है आपका, किसने रखा है? मम्मा ने और बाबा ने। अच्छा, मम्मा बाबा दोनों ने रखा है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? वन क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, आप उधर देखोगे, वेरी गुड। अच्छा, अब आप बताओगे आप किस स्कूल में पढ़ते हो? किस स्कूल? ब्लूफील्ड हाई। ओके, आपकी फेवरेट टीचर कौन है? टीचर समाना। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। अच्छा, तो आप जब पढ़ते नहीं हो तो आप फ्री टाइम में क्या करती हो? जब मैं पढ़ती नहीं हो तो फिर मैं खेलती हूँ। क्या खेलती हो आप? पकड़म पकड़ाई हो, सारा कुछ खेलती हूँ। अच्छा, किसके साथ? भैया के साथ? भैया साथ। अच्छा, तो कौन आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, मम्मा करती हैं, बाबा करते हैं या भैया करते हैं? दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। आप किन से ज़्यादा प्यार करती हो? मैं मम्मा और बाबा से। अच्छा, आपको कुछ केक पसंद है, पेस्ट्रीज पसंद है, या आपको मीठा पसंद है या नमकीन? केक। केक, अच्छा कौन से वाला, चॉकलेट वाला पसंद है या दूसरा वाला? चॉकलेट वाला। अच्छा ठीक है, कोई पोइम आती है, कोई ABC आती है, कोई 1-2 कुछ भी, कोई गाना क्या आता है? ABC। चलो ठीक है, आप सुनाओगे? ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ Now I ABC Next time won't you sing with me? Thank you so much, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो आप सबको बाय बाय कर दो। बाय बाय। ऐसे वेव करके। बाय बाय। ठीक है, थैंक यू। व्यूअर्स, हमारे साथ इतनी क्यूट सी बच्ची मौजूद थी, उससे बात की, बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके। और भी लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ और बच्चे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मुझे बड़े बच्चे तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं और दिखने में भी बड़े प्यारे लगते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। मुझे बच्चों की बातें भी बड़ी क्यूट लगती हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनकी बड़ी मासूम सी बातें होती हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? ताबीन फातिमा। ताबीन फातिमा, किसने रखा है आपका नाम? वो मेरी मम्मा ने रखा है। नाम का मतलब पता? नहीं। क्यों, आपका अपना नाम है, आपको उसका मतलब ही नहीं पता? वो नहीं पता ना मुझे। नहीं पता आपको? अच्छा, ये कौन है? ये मेरा कज़न है। साथ आपके कज़न है? जी जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चा छोटा बच्चा है, वो बड़ा शाय है, वो बात नहीं कर पा रहा शायद वो। आप बताओ आप क्या करते हो? मैं क्या मतलब? आप पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। और 4th क्लास के पेपर्स हो गए? जी जी। कैसे हुए पेपर्स आपके? बहुत अच्छे हुए।
बहुत अच्छे हो गए, कितने मार्क्स आ जाएंगे? पता नहीं, पता नहीं। पेपर्स अच्छे नहीं हुए? अच्छे हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो आप कुछ सुनाना चाहते हो, कुछ जो आपको इतने लोग देख रहे हैं आप उनके साथ कुछ शेयर करना चाहते हो? जी जी। क्या क्या शेयर करना चाहोगे? कि भाई कुछ भी, कुछ भी। तो आप शेयर करो ना कुछ भी। क्या? समझ नहीं आ रही। क्या पोइम सुनानी है? कोई पोइम सुनानी है, कोई नात आती है, कोई आपको गाना आता है, कोई कुछ भी आपको आता है? नहीं, ये चीज़ें नहीं मैं सुनती। अच्छा, तो आप कोई मैसेज देना चाहते हो? नो। चलो ठीक है, फिर सबको बाय बाय कर दो। बाय बाय। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुभान दिया। मोहम्मद सुभान, किसने रखा आपका नाम? पप्पो। पप्पो आपको प्यार करती हैं? पप्पो कितना अच्छा। आप पप्पो से प्यार करते हो? हाँ जी। अच्छा, आपको आपको लोग देख रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहते हो, कोई कुछ सुनाना चाहते हो उनको, कोई पोएम, कोई गाना, कुछ भी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वेरी गुड। अच्छा, कोई और? ए बी सी आती है? 1 2 आती है? A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वेरी गुड, आपको तो इतना कुछ आता है, इसका मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो। हो आप इंटेलिजेंट हो? पढ़ना आता है? अच्छा चलो, सबको यूं वेव कर दो, कहो बाय बाय। बाय बाय। यूं उधर देख के बाय बाय। ठीक है, थैंक यू। आइए, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहीन। माहीन, आपका आपके नाम का मतलब क्या है? चांद जैसी खूबसूरत। चांद जैसी खूबसूरत, आपको पता है आप चांद जैसी खूबसूरत हो? हाँ। अच्छा, आप कितनी प्यारी हो? नहीं पता। नहीं आपको पता है आप इतनी ज़्यादा प्यारी हो? अच्छा, और किस क्लास में पढ़ती हो आप? 2 क्लास में पढ़ती हो। किस स्कूल में पढ़ते हो? सिटी स्कूल। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जिसको पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आता हो? आर्ट। आर्ट, आर्ट आपको करने में मज़ा आता है? हाँ, मैं मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग है। बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेती हो, किससे सीखी है? खुद ही कहती हूँ। अच्छा, क्या बनाना आपको पसंद है? जो नेट पे आते हैं वो बना लेती हूँ। कुछ भी आपके सामने आ जाए आप उसको बना लेती हो? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको कुछ कोई गाना आता है, कोई पोइम आती है, कुछ भी? दोस्ती ऐसा ना चाहते हैं। क्या आता है, क्या सुनाना चाहते हो आप, सुनाओ। दोस्ती ऐसा ना था जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा, जा रहो मिलके रहो, जा रहो मिलके रहो, ये कहीं भूल ना जाना, दोस्ती ऐसा ना था। वेरी गुड, आपको पता है आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, आप खुद भी बहुत प्यारी हो, आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, पता है आपको? हाँ। कि आप खुद भी बहुत प्यारी हो, आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यानी कोई लिखते हो, पढ़ते हो, गाते हो? नहीं, गाते नहीं है ना, लिखते हैं बस, वेले हैं फोन। तो आप पढ़ते नहीं हैं? स्टडी भी करते हैं, टाइम। आप खुद कह रहे हैं ना कि आप वेले हैं? थोड़े बहुत तो थोड़े बहुत वेले हैं, मानते हैं? जी मानते हैं। चलें ठीक है।
होस्ट एलिज़े एक दफ़ा फिर से आपके सामने मौजूद है। ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ और उन्हीं सवालात का सिलसिला और मज़े मज़े की गुफ्तगू का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे। आइए करते हैं और भी लोगों से बात। आइए, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? उस्मान अहमद। क्या करते हैं? मैं गाड़ियों का बिजनेस करता हूँ, शोरूम में गाड़ी का। अच्छा, आपका अपना शोरूम? जी, अपना शोरूम। ठीक है, तो मैं आपके बच्चों से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिबा उस्मान। हिबा उस्मान, किस क्लास में पढ़ते हो आप? टू। टू क्लास में पढ़ते हो। कोई पोइम आती है? पोइम आती है? कौन सी पोइम आती है? सुना दो बेटा, जो भी आती है आपको। जो भी आपको पोइम आती है आप सुनाओ। अच्छा जी, वो मूड में नहीं है कि हमें कोई पोइम सुनाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इज़ा। क्या करती हैं आप? किस स्कूल में पढ़ती हैं? सुपीरियर ग्रामर स्कूल। अच्छा, तो आपको कोई पोइम आती है? क्या हॉबीज हैं? मैं आर्मी बनना चाहती हूँ और स्टोरी राइटिंग, स्टोरी रीडिंग। अच्छा, स्टोरी राइटिंग आपकी हॉबी है, स्टोरी रीडिंग भी। आप स्टोरी खुद से लिख लेती हैं? हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी, उम्मीद है मुझे आप ज़रूर जवाब दे देंगे। मुझे आप बड़े अक्लमंद लग रहे हैं। हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मानते हैं? जी। चले, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपने मुझे उसका जवाब देना। जी बताएं। ऐसी क्या चीज़ है जिसके बगैर पानी नहीं पिया जा सकता? इतनी अक्लमंद जवाब दे देंगे। ऐसी क्या चीज़ है जिसके बगैर पानी नहीं पी सकते? जिसके बगैर पानी नहीं पी सकते? अच्छा, आप कह रहे थे आप अक्लमंद हैं और मुझे भी लगा था कि आप अक्लमंद हैं, लेकिन आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? ज़रा सोचें थोड़ा सा। नहीं, सोच तो रहा हूँ। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है। आसान तो नहीं है। आसान है, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो बहुत आसान है। नहीं नहीं, इस टाइम नहीं आता ना इंसान को, इस टाइम फौरन। चले, आप अपनी वाइफ को कुछ, कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहें, कुछ भी डेडिकेट करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? आई लव माई वाइफ। हाउ स्वीट। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, वो इंजॉय कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं सवालात जो कि जिनके जवाब किसी को भी नहीं आ रहे, देखते हैं कि उनको इसके जवाब आते हैं या नहीं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या नाम है आपका? असद रजा। असद रजा, क्या करते हैं आप? मैं मोटरवे में जॉब करता हूँ। मोटरवे में जॉब, क्या जॉब करते हैं? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर करता हूँ। ठीक है, कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, आप बेसिकली मुल्तान से ही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्तान से हैं हम। ठीक है, आपकी फैमिली भी यहीं से है? जी, फैमिली भी इधर से है। अकेले आए हैं या फैमिली के साथ? नहीं, हम अकेले आए हैं। फैमिली को क्यों नहीं लेके आए? बस अकेले दिल कर रहा था, फैमिली कह रही थी हम ही ले जाएं, तो हमने कहा अभी इस टाइम हम आ जाएं तो फिर नेक्स्ट टाइम हम आपको लेके जाएंगे। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे माहौल, घूम फिर के कुछ खाया पिया है? नहीं, अभी हम अभी इंटरव्यू में हैं, तो बस जैसे ही आएंगे, फर्स्ट टाइम आए हैं तो बहुत अच्छा माहौल है, बड़ा साफ़ सुथरा। तो जैसे वाकई माहौल तो वाकई बहुत साफ़ सुथरा है। तो और आपके अंदर क्या टैलेंट है, मतलब आप कोई गाना गाते हो, कोई शायरी करते हो, कुछ लिखते हो? फिलहाल तो कोई टैलेंट नहीं है, बस ऐसे सिंपल ही रहते हैं। कोई टैलेंट नहीं है? कोई टैलेंट नहीं है। अच्छा, कोई कॉमन सेंस का सवाल पूछो तो जवाब दे देंगे? चलो ठीक है, पूछ लें आप। ठीक है, जवाब दे देंगे? ठीक है, हो या तो कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, अगर आ गया तो दे देंगे वरना फिर। ऐसी क्या चीज़ है जिसके बगैर पानी नहीं पिया जा सकता? ऐसी क्या चीज़ है जिसके बगैर पानी नहीं पिया जा सकता? वो क्या चीज़ है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। बहुत आसान सवाल है, अगर आप सोचें इस पे। दोबारा रिपीट कीजिएगा।
ऐसी क्या चीज़ है जिसके बगैर पानी नहीं पिया जा सकता? जिसके बगैर पानी नहीं पिया जा सकता? बहुत आसान सवाल है, सोचे जरा। गिलास के बगैर? नहीं, गिलास के बगैर तो हम हाथ से भी पी सकते हैं। हाथ से पी सकते हैं? स्ट्रा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या? कोई एग्जैक्ट बताए ना, एग्जैक्ट जवाब। मालूम नहीं है। ठीक है, कोई गाना सुनाना चाहें? गाना नहीं। कोई थोड़ा सा? थोड़ा, कोई भी नहीं आता है ना। अच्छा चलें, अपने देखने वालों सुनने वालों के साथ आप कुछ शेयर करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? जो मुझे देख रहे हैं उनको बहुत सी दुआएं हैं मेरे साथ, उनको जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं अल्लाह पाक उनको बहुत खुश रखे। फी अमान। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर। ताहिर नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ ISP यूनिवर्सिटी में। क्या पढ़ रहे हैं आप? BS Math। BS Math, तो आपने BS फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनको क्यों नहीं चूज़ किया, मैथ्स क्यों? मैथ ठीक है ना, थोड़े मुश्किल है ना, टफ है, इस वजह से। टफ है? टफ चीज़ को करने में मज़ा आता है? जी, टफ चीज़ को करने में मज़ा आता है जी। ऐसा नहीं, यानी आप हार्ड वर्किंग है? जी जी, बलोच है ना इस वजह से हम। बलोच ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं? वो आसान काम करते नहीं हैं, वो मुश्किल काम को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप क्या, आपके अंदर क्या टैलेंट है? जो चीज़ आप सुनना चाहें मैं सुना दूंगा आपको। आपके कोई स्पेसिफिक टैलेंट हो, यानी कोई लिखते हो, पढ़ते हो, गाते हो? नहीं, गाते नहीं हैं ना, लिखते हैं बस, वेले हैं फोन। तो आप पढ़ते नहीं हैं? स्टडी भी करते हैं, टाइम। आप खुद कह रहे हैं ना कि आप वेले हैं? थोड़े बहुत तो थोड़े बहुत वेले हैं, मानते हैं? जी मानते हैं। चलें ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपने मुझे उसका जवाब देना। जी ज़रूर। अच्छा जी, ऐसी क्या चीज़ है जिसके बगैर आप पानी नहीं पी सकते? इसके बगैर पानी नहीं पी सकते? बिल्कुल। प्याज? नहीं, थोड़ा और सोचें। ये कोई और पूछ लें सवाल? सवाल यही रहेगा, आपने इसका जवाब देना है, सोचे थोड़ा सा। इसके बगैर पानी तो पी सकते हैं। असल में हमारा एक ये भी मसला है ना कि हम सोचते नहीं हैं। आप थोड़ा सा सोचें, आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। बंदे हैं सारे को, गिलास ना हो तो नलके की बूथी तो मुँह आके पी गए। ये भी ठीक है, लेकिन पानी, पानी किसके बगैर नहीं पी सकते हम? काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन इसका जवाब एग्जैक्ट ये भी नहीं है। चले, आप कुछ शेयर करना चाहें, कोई गाना सुनाना चाहें, कोई शेर सुनाना चाहें? भावे शाकिर दुख हजार होन, खेल यार पोवे दुख टल बने, इम्पोर्टेंट हुकूमत ना मन लो। अच्छा, कोई गाना सुनाना चाहें? नहीं, बस शेर सुना दिया काफी, गाना ये भाई सुनाएगा। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स, हमारे साथ एक और नौजवान भी मौजूद हैं यहीं पे मॉल ऑफ मुल्तान में, आइए उनसे भी हम बात करते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम खान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्लाह का शुक्र। यहाँ पे आप शॉपिंग करने आए हैं? नहीं, आज हम आइसक्रीम खाने के लिए आए। सिर्फ आइसक्रीम खाने आए? जी, आइसक्रीम खाने के लिए आए। खुद के पैसों से खा रहे हैं, कोई खिला रहा है? खुद के पैसों से, दोस्त ने गेट टुगेदर किया हमने। अच्छा, दोस्तों ने गेट टुगेदर किया है हॉस्टल? हाँ जी, अचानक प्लान बना कि आज आइसक्रीम खाते हैं, मॉल ऑफ मुल्तान चल गए, सो हम आ गए। खाई है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह खाई है, पहली दफ़ा खाई है? अब कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। मतलब पहली दफ़ा ही खाई है? हाँ, ऐसे ही समझ ले। ठीक है, कैसा लगा आपको, कैसा टेस्ट था? बहुत अच्छा टेस्ट था, कम बेश तकरीबन मेरे अंदाज से इस उम्र में 1000+ मरतबा खाई होगी। अच्छा ठीक है, तो आपको यहाँ पे मॉल ऑफ मुल्तान में आके कैसा लग रहा है? मॉल ऑफ मुल्तान में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छी है, मुल्तान की सबसे अच्छी जगह मेरे ख्याल से यही है। तो आप क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल आर्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, आपका क्या इरादा है, इन फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इन फ्यूचर आर्ट्स के बाद इंशाल्लाह स्टडी के लिए फॉरन। सवाल कर लूँ? ऑब्वियसली करें। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है जिसके बगैर पानी नहीं पिया जा सकता? गले के बगैर? नहीं कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये भी नहीं। जब प्यास ना लगी हो तो कैसे पानी पियेंगे? ग्लास ना हो मौजूद तो कैसे पानी पियेंगे? ग्लास ना हो मौजूद तो हम मौजूद ना हो तो क्या कैसे पियेंगे? ये बात, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि पानी ना हो तो पानी कैसे पिया जा सकता है। मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के, क्योंकि
पहले शख्स मिले हैं जिन्होंने एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद थे मॉल ऑफ मुल्तान में। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा इस एपिसोड को भी। तो सब जाने से पहले मैं आपको दूंगी जवाबात जो कि मैंने आज किए हैं लोगों से सवाल, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि भाई लोगों को जवाब नहीं आए, लेकिन चले मैं आपको जवाब ज़रूर बता देती हूँ कि पहला सवाल हमने किया था कि पाकिस्तान में टोटल सिटीज़ कितने हैं। तो जी पाकिस्तान में टोटल सिटीज़ हैं 67 टोटल सिटीज़ हैं। और दूसरा सवाल मैंने किया था कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके बगैर पानी नहीं पिया जा सकता। तो जी पानी पानी के बगैर ही नहीं पिया जा सकता। बहुत आसान से जवाब थे इनके। अब वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का। मिलते हैं अगली जगह नए लोगों के साथ, नए सवालात के साथ और बहुत सारी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सब ने अपना ख्याल रखना है, लोगों का भी ख्याल रखना है और खुश रहना है। अपनी होस्ट अलीज़े को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।